Good morning, everyone. As you know, I am Ashwagandha and I am from Kashyap. And today's discussion is once again before you all for the purpose of sharing some thoughts that can be essential for all of us to survive in this society in the happiness and prosperity manner. तो चलिए समझते हैं हम लोग आज का हमारा जो घटनाक्रम है उसका सीधा संबंध है श्रीमद् भगवद गीता से। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसी पुस्तक जो अध्यात्म की प्रकाष्ठा है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अध्यात्म का संबंध है स्वयं को खोजने से, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने से। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैं यानी आत्मा हूं, न कि यह बॉडी हूं, और इस आत्मा को इसकी मंजिल तक पहुंचाना, डेस्टिनेशन तक पहुंचाना यानी परमात्मा तक पहुंचाने के विज्ञान का नाम है अध्यात्म। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और धर्म का काम है सबसे उत्तम तरीके से जीवन जीने में सहायता करना। सबसे उत्तम तरीके से जीवन जीने का जो साधन है, जो तरीका है, उसे कहते हैं धर्म। द बेस्ट वे इज इक्वल टू रियलिजन। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, इससे भी आगे। तो बात ऐसी हुई कि मेरे ही द्वारा पढ़ाए गए एक विद्यार्थी ने मुझसे कहा कि आप श्रीमद् भगवद गीता का सही ढंग से अध्ययन नहीं किए हैं। अगर आपने अध्ययन किया होता तो आपकी ये स्थिति नहीं होती। अब मेरी स्थिति सुन लीजिए क्या है, वो भी हम बताते हैं आपको। देखिए, पहली बात तो ये है कि आज का ये युग भौतिकवादी है, और भौतिकवादी युग में जहां हर एक व्यक्ति धन के पीछे भाग रहा है, मृत तृष्णा के पीछे भाग रहा है, ऐसे इस माहौल में एक व्यक्ति जो ज्ञान पिपासु रहा है, वो व्यक्ति कभी भी धन के पीछे भागेगा तो वो थक पक जाएगा, वो बेचैन हो जाएगा। किसी के लिए सफलता मायने रखती है तो किसी के लिए संतुष्टि मायने रखती है, और किसी के लिए संतुष्टि के साथ सफलता मायने रखती है, जो बहुत जरूरी है। पूर्ण सफलता का संबंध, संपूर्णता का संबंध संतुष्टि और सफलता दोनों ही होती है। दरअसल आप ये समझ लीजिए कि सफलता दुनिया तय करती है, शोहरत को कहती है, लेकिन आपको जब अकेले में बैठे हो या आप उस भीड़ का हिस्सा हो, कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहां जा रहा है, कोई वहां जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कोई सामान बेच रहे हैं, कोई पढ़ा रहे हैं, कोई सब्जी बेच रहे हैं, मतलब हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर ही रहे, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, हर व्यक्ति अपने लाइवलीहुड के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है और अपने लाइफ को कंफर्टेबल बनाने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में जब हर व्यक्ति अपने लाइफ को कंफर्टेबल बनाने की कोशिश कर रहा है तो हर व्यक्ति को अलग अलग ढंग से कंफर्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन अलग अलग ढंग से चाहिए। एक टीचर को आप कह दीजिएगा कि वो इंजीनियरिंग करने शुरू कर दे, उसको हो सकता है संतुष्टि ना मिले। और वैसे व्यक्ति जिसने अपने हॉबी को अपना कैरियर बना लिया हो, अपने संतुष्टि को ही, अपने खेल को ही अपना जीवन जीने का मकसद बना लिया हो, वो व्यक्ति तो कभी भी अधीर या बेचैन या नीरस हो ही नहीं सकता। और उसको अगर किसी और कार्य में लिप्त कर दिया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके जीवन में नीरसता आ जाएगी। अब कोई जबरदस्ती कहे आपको, आपको मान लीजिए कि लोगों को चीट करने का काम पसंद नहीं है, लोगों को झूठ बोलने का काम पसंद नहीं है, और किसी को लगता है कि नहीं यही काम से मेरा सर्वाइवल पॉसिबल है, तो अब ऐसे सूरत में बाय हुक एंड बाय क्रूक लेट अस अर्न मनी, ऐसे सूरत में क्या होगा? ऐसे सूरत में आप देखिए कि आप उस काम में ठहर नहीं पाएंगे, आपका इनोसेंस, पोलाइटनेस, जेनरसिटी, लिबर्टी जैसे शब्द जो आप में कूट कूट करके भरे पड़े हैं, वो आपको वो सब काम करने ही नहीं देंगे। अब क्या होगा ऐसे सूरत में, आपका उसके बीच का दूरी बढ़ जाएगा, तो आप उसके नजर में गलत है, आप उसके नजर में गलत है, और समाज में हर एक व्यक्ति उसी को सही मान रहा है क्योंकि उसकी भी सोच वैसी है ना।
भेड़ चाल चलने की लोगों को आदत हो गई है। अब भेड़ चाल चलने वाले जितने भी लोग हैं वो संतुष्टि की कीमत क्या जाने, वो तो अपने उधर की कीमत जानते हैं ना। आज मंदिरों में लोग जाते हैं, मस्जिदों में लोग जाते हैं, क्या उन्हें शांति मिलती है? नहीं, क्योंकि वो लोग तो सारा जीवन समय दिए धन के खोज में, अपने अंदर ढूंढे नहीं। और इंडियन कल्चर जो है इसका फर्स्ट प्रायोरिटी है आपका इनर डिस्कवरी, इनर सर्च, आपका इनर सर्च, इनसाइट को डेवलप करना। इंडियन कल्चर का काम है इनसाइट को डेवलप करना। जैसे आप आज के दौर में देख लीजिए, बच्चे लोग आएंगे तो यहां पर घुटने को छुएंगे, प्रणाम सर, तो क्या आपके प्रणाम सर बोल देने से वो फीलिंग आ जाए? और टोन भी वैसे ही, प्रणाम सर लगता है जैसे कि प्रणाम सर बस हो गया, आप काम निकालना है। जैसे बचपन में लोग काम निकालने होते थे तो कहते थे भैया भैया, और उसके बाद फिर मुंह ऐड कर चले जाते थे। तो वही स्थिति है आज के दौर में, लोग टोपी बना रहे, बेवकूफ बना रहे, धुरवा बना रहे। तो ऐसे जीवन में when everybody is making you a fool, how can you survive with your happiness, with your satisfaction? नहीं पॉसिबल है ना। तो आप उनसे कट करने के सोचेंगे, आप उनसे आइसोलेशन करने के सोचेंगे। अलोन नहीं है आप, आपको जिन चीजों की तलाश है आप उसमें हैं। आपके पास बुक्स है, आपके पास लिटरेचर है, आप जितने भी है, चार्ल्स डिकेंस को ले लीजिए, उसमें डेविड कॉपरफील्ड का जो कैरेक्टर है सिंपली वाव, आप उससे एकदम पैरेलल हो जाते हैं। लेकिन आप सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जो मीर जाफर की तरह मिल सकते हैं आपको, या वो तो खैर बहुत ज्यादा हो गए मीर जाफर या जयचंद की भांति, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो जिस डाली पे खड़े हैं उसी को काटते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में वो श्रीमद् भगवद गीता को समझने लगे हैं। अब देखिए, हर एक की अपनी जरूरतें अलग अलग होती है, और जो अपनी जरूरतें हैं उसके लिए जीता है और बाकी सारे चीजों को त्याग दे तो उसमें सौदा सस्ता नहीं है। हरिश्चंद्र ने सिर्फ झूठ नहीं बोलूंगा के लिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने सिर्फ झूठ नहीं बोलूंगा के लिए अपने सारे धन दौलत राजपाट को त्याग दिया, तो क्या वो घाटे में, वो बेवकूफ है आपकी नजरों में? हो सकते हैं, हमारे नजरों में तो नहीं है, हमारे नजरों में तो वो लीजेंड है। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै ड्रीड राजा हरिश्चंद्र के, टरे न सत्य विचार। आज आप भौतिक जगत के सदस्य हो गए हैं तो ठीक है, हो जाइए। वेस्टर्न कल्चर को आपने अपनाया, ठीक है अपनाइए। अब देखिए, वेस्टर्न कल्चर को आपने दिल से अपनाया, पोशाक से नहीं, तो अलग चीज है, उसके मायने अलग हो जाएंगे, फिर आपका कैरेक्टर एक अलग दिशा में ही चला जाएगा। और जिसने भौतिक चीजों को सिर्फ अपने जरूरतों के लिए इस्तेमाल किया, अक्सर हम बोलते हैं क्लासरूम में, लीव द पेन इफ यू डू नॉट नीड इट, यदि आपको पेन की जरूरत नहीं है यू शुड लीव द पेन, कलम छोड़ दीजिए। भौतिकवादी चीजों को अनावश्यक कैरी क्यों कीजिए? आपको समझने के लिए हार्ट चाहिए, बोलने के लिए माउथ चाहिए, वॉच करने के लिए आपको आईज है, आपको लिसनिंग के लिए ईयर चाहिए, और क्या चाहिए? नेचर ने तो दी ही है। अब अनावश्यक तौर पर पेन को कैरी करते रहना, दिस इज नॉट द राइट थिंग। अब ऐसे सिचुएशन में, भौतिकवादी सिचुएशन में, जहां हर एक व्यक्ति मटेरियलिस्टिक साइकोलॉजी से सफर कर रहा है, उसको नहीं चाहिए वो चीज, फिर भी जबरदस्ती चाह रहा है, और वो अगले को थोप भी रहा है कि नहीं आपको ये चीज चाहिए, आपको लेना पड़ेगा, लेना ही है एट एनी कॉस्ट, तो कमजोर इरादों वाले लोग अपना फैसला चेंज कर लेते हैं। इंस्पिरेशन अंदर से आती है, मोटिवेशन बाहर से आती है, इंस्पिरेशन अंदर से आती है, मोटिवेशन बाहर से आती है। आजकल भेड़ चाल चलने वाले लोग मोटिवेट हो रहे हैं, इंस्पायर नहीं हो रहे, मोटिवेट हो रहे, इंस्पायर नहीं हो रहे, कुछ अपने अंदर से बाहर देना नहीं चाह रहे, बाहर की चीजें अंदर ले लिए और उसी को दे दे रहे, अगले की चीज को कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, और वो लोग गीता का ज्ञान दे रहे। अब ऐसे समझ में आ रहे होंगे आपको कुछ कुछ बातें, और चलिए इसमें गहराई से चलते हैं। दुर्योधन ने क्या चाही थी?
जब कृष्ण के पास मदद मांगने के लिए महाभारत के कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले जब दोनों को ही पहुंचे थे तो दुर्योधन ने क्या चाहा था? जब ऑप्शन दिए गए थे कृष्ण के द्वारा दुर्योधन को और अर्जुन को, तो प्रथम प्राथमिकता, अब देखिए दुर्योधन आए वो सिर के पास बैठे, पहली गलती उनकी। उसके बाद वो बड़े हैं अर्जुन छोटे हैं, तो पहला अधिकार छोटे को होना चाहिए। दूसरी बात, अर्जुन सामने बैठा पैरों के पास, तो पहली नजर उस पर पड़ी, सिर तो अर्जुन को ही हक मिलना चाहिए। उसके बाद आप समझने की कोशिश कीजिए कि अर्जुन जो है उसको जब श्री कृष्ण बोल रहे हैं, देने वाला बोल रहे हैं, तो दुर्योधन विरोध कर रहे हैं। अब ऐसी सूरत में श्री कृष्ण ने एक और बात रख दी कि मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। तो महाभारत के का ये प्रसंग आप सभी लोग देखे होंगे, मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। तो अब ऐसे सूरत में वो नारायणी सेना मांग लिए, श्री कृष्ण को त्याग दिए, वो श्री कृष्ण को त्याग दिए, नारायणी सेना मांग लिए। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो हमारे समक्ष है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से इन्फ्लुएंस है, तो वो सारे लोग आपसे क्या उम्मीद लगाते हैं? आप उससे उनसे क्या उम्मीद लगाते हैं? वो आपका साथ देंगे अगर आप कृष्ण हैं तो? अगर आप कृष्ण, कृष्ण यानी गुरु, अगर आप कृष्ण हैं तो वो आपका साथ देंगे? हम उनकी बातों से दुखी हो गए थे कुछ दिन, उन्होंने रात में ऐसी बात की, दिल को इतनी चोट लगी, लगा कि यार ये क्या हो गया, ये ऐसा बोल रहे, इतना प्रिय स्टूडेंट जो कभी इसे राम मानते हैं और हनुमान बनने को तत्पर है, वो इसके बारे में ऐसी सोच रखते हैं कि आपने श्रीमद् भगवद गीता ढंग से नहीं पढ़ी है, कैसी विडंबना है ये। हाँ, अगले ने दौलत हासिल कर ली श्रीमद् भगवद गीता के सहारे, शोहरत हासिल कर ली, उसके पास मिलियन ऑफ व्यूज है, बहुत अच्छी बात है, ये होनी नहीं चाहिए, हम भी उनकी कद्र करते हैं। पर एक व्यक्ति जो श्रीमद् भगवद गीता के कारण जीवित बचा हुआ है, जिसके आती जाती सांसों में संतुष्टि के लिए ले दे करके एक ही दोस्त थे श्री कृष्ण और उनकी कही हुई बातें श्रीमद् भगवद गीता और उनकी विभिन्न प्रकार की लीलाएं, जो जिसकी सुनता है वो, जिसको पढ़कर सुकून मिल, आप उसी पर से उसका अधिकार छीन ले रहे हैं, ये तो अनुचित बात है। पर फिर मैंने सोचा कि नहीं, दुर्योधन ने तो नारायणी सेना मांगी ना, उसको वो अच्छा लग रहा था, उसने मांगी, उसने देखा कि श्री कृष्ण हथियार नहीं उठाएंगे। अब अशोक सर जो है वो पैसे कमाने को प्रथम प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, वो सांसारिक जगत से जो है उतना ही चाहते हैं जितना कि लाइवलीहुड के लिए जरूरी है। अब देखिए, कारनामे होने चाहिए, कार्य नहीं होने चाहिए। अगर आप एक सीमा को पार कर लेते हैं तो आप पास्ट देखिए, तो निकाल करके पास्ट देखिए किसी व्यक्ति का, अगर वो कारनामा किया है तो वो असाधारण है। एक असामान्य व्यक्ति जब भी करेगा तो कारनामा ही करेगा, कार्य नहीं करेगा। क्या आपके पास थर्ड आई है जो उसको नोटिस कर सकते हैं आप? राम ने तो पुल बनाए हैं सागर के बीच में, वो कारनामे है, कार्य नहीं है। श्री कृष्ण ने काली उंगली पे पर्वत उठाए, वो कारनामे है, कार्य नहीं है, साहसिक कार्य है वो, और एक सीमा को लांघे हुए। आप जिन्हें अपना आदर्श मानते हैं वो ऐसा किए और आवश्यकता के लिए किए, वो अगले को इंप्रेस करने के लिए नहीं, खुद को सिचुएशन के सामने में एक्सप्रेस करने के लिए किए हैं। आप ऐसा मानते हैं, आप उसे महसूस करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो आप कैसे उससे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं? लोग तो मटेरियलिस्टिक हो गए, तो अब दुर्योधन भी नारायणी सेना लिए थे, तो आपके द्वारा पढ़ाए गए बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो जाहिर सी बात है वो भौतिक जगह से इन्फ्लुएंस होंगे, तो आपको आइडियल क्यों मानेंगे? आपको आप फेलियर ही मानेंगे, आपको सक्सेसफुल क्यों मानेंगे? अब हमें नहीं चाहिए उन शर्तों पे सफलता नहीं चाहिए कि अपना सुख चैन खो करके सफल हो गए। अगर हमने अपनी कोचिंग को गवाया, अगर हमने लोगों के ताने सुने, तो सबसे ज्यादा ताने तो वही सुनते हैं जो लोगों की फिक्र करते हैं, लोगों को सुधारने चाहते हैं, तभी उनके राह में ताने आते हैं, नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, तभी तो लोग विरोध करते हैं। अगर आप छल करने के लिए किसी को मना करते हैं, किसी को कमेंट करने के लिए मना करते हैं, तो एकदम भयानक रूप, खूंखार रूप लोगों का सामने आता है आपके। लोग गांधी जी के बारे में भी कुछ कुछ कहते रहते हैं, सबका मजाक उड़ाया जाता है,
थोड़ा सा आप तरक्की कर लीजिए ना, लोग आपका विरोध करने शुरू कर देंगे, और सीमा पे पहुंच जाइए तो लोग आपके अनुसरणकर्ता बन जाते हैं। क्या विडंबना है ये, जिस समय साथ चाहिए उस समय साथ देते नहीं हो, और जब अपनी बात आती है, अपना गरज रहता है, तो पीछे पीछे चले आते हो। खैर हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। दरअसल आप क्यों दुखी हैं? आप इसलिए दुखी हैं, मैं क्यों दुखी था उससे, क्योंकि मुझे उसके भविष्य की चिंता है। पर उसके भविष्य की चिंता उससे ज्यादा कौन कर सकता है? पहले मुझे अपने भविष्य को तो बनाना है, मुझे अपनी तलाश तो करनी है। उसकी अच्छाइयों के लिए सदा उसका सम्मान करना चाहिए। अब गीता का एक श्लोक में बहुत ही अच्छे ढंग से इसका बात कहा गया है। सभी में अच्छाई थे, भीष्म में, कर्ण में, कृपाचार्य में, और आर्मी के ब्रिगेडियर द्रोणाचार्य में, सभी में सच्चाई थे, सभी में बहुत सारे सच्चाई थे, बहुत ही कूट कूट करके अच्छाइयां भरी हुई थी। एक चरित्र थे सारे लोग, अमर चरित्र, महानता की सीमा लांघे हुए थे। इंसान तो इंसान, देवगण भी उनसे उलझने में 10 बार सोचते, ऐसे उनके पास दिव्य शक्तियां थी। भगवान को भी, भगवान परशुराम को भी गंगा पुत्र भीष्म जी ने पराजित कर दिया था। अब थोड़ा सा आगे चलते हम, और स्वयं ब्रह्मा जी आकर के निवेदन किए आचार्य द्रोण से कि आप ब्रह्मास्त्र का प्रयोग ना करें। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं इससे। संस्कार, हमें क्या चाहिए? हमें किसी की इनका इंतजार है, अपनेपन का इंतजार है। जब हमें हमें अब एक बार हमने सुना कि एक राजा के ऊपर, जिसकी सैन्य शक्ति 5,000 थी, उसके ऊपर एक 50,000 वाले राजा ने हमला कर दिया। अब उस व्यक्ति ने क्या किया, उसके पास कुछ उपाय सूझ नहीं रहा था, तो अपने जनता के सामने वह प्रस्ताव ले गया, और जनता की, वहां की जनसंख्या की 2,00,000, उन जनता से सहयोग मांगा उन्होंने कि आप क्या कहते हैं, हम सरेंडर करें या सामना करें, आपके साथ के बगैर संभव नहीं है। अब उस राजा को जनता ने, यहां तक कि छोटे छोटे लड़के लड़कियों ने भी सहयोग का वचन दिया, उसके अच्छे कर्म के कारण, उसकी महानता के कारण। और इस कारण से क्या हुआ, जब सेनाएं आमने सामने हुई तो कहने को 5,000 सेनाएं थी, लेकिन वास्तव में 2,05,000 सेनाएं हो गई, और उन 2,05,000 सेनाओं ने 50,000 वाले राजा को बंदी बना लिया। न केवल जबरदस्त धुलाई की, जबरदस्त ढंग से पानी पिला दिया, बल्कि बंदी बना लिया, और वो कारागार में चले गए। तो सोचिए, आदमी पहले अपने अंदर सुधार करे या बाहरी सुधार करे। आदमी पर प्लानिंग की शुरुआत, आदमी मैनेजमेंट की शुरुआत, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, दूसरों से काम निकालने की शुरुआत घर से करे या बाहर से करे। पहले इंटरनली साउंड होना है, फिर एक्सटर्नली साउंड करना है अगले को। अगर आप मैनेजमेंट की बात करेंगे तो उसका पॉश डीसी से गहरा संबंध है। प्लानिंग, पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग एंड सी फॉर कंट्रोलिंग, ये सारी चीजें आपको घर में पहले करनी होगी। घर में अगर एक बेटर मैनेजमेंट है तो ऑटोमेटिकली आप सरवाइव कर जाइएगा मार्केट में। मार्केट में क्या है, ठोकरे खाने पे मंजिल मिल जाती है, अगर टैलेंट है तो रास्ते बन जाते हैं। बड़े बड़े लोग जो हुए हैं वो परिस्थितियों में टूट कर बिखरे नहीं है, परिस्थितियों में बने हुए रिकॉर्ड तोड़ दिए। एडवर्सिटी ब्रेक्स समवन एंड समवन ब्रेक्स एवरीथिंग इन एडवर्सिटी। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे चले इस बात को लेकर के। तो देखिए, जब युद्ध आरंभ होने वाला था, तो महाभारत का एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं। जब युद्ध आरंभ होने वाला था, बीआर चोपड़ा की महाभारत से प्रभावित हूं, तो उसी की बात कर रहा हूं। तो उस समय जब युद्ध आरंभ होने वाला था, तो गंगा पुत्र भीष्म से जब वो कह रहे हैं दुर्योधन कि आखिर कब तक हम लोग यहाँ खड़े खड़े युद्ध की प्रतीक्षा करते रहे, युद्ध के आरंभ की प्रतीक्षा करते रहे, आप बजाते क्यों नहीं युद्ध का बिगुल पितामह। दुर्योधन का ऐसा कहने पे
गंगा पुत्र ने कहा, मैं किसी की प्रतीक्षा कर रहा हूं पुत्र, मैं किसी की प्रतीक्षा कर रहा हूं। और तभी अपने रथ पर से नीचे उतरकर धर्मराज युधिष्ठिर उसके पास जाते हैं, उनके पास जाते हैं, सॉरी गंगा पुत्र भीष्म के पास जाते हैं, उनका चरण स्पर्श करते हैं गंगा पुत्र भीष्म का, और कहते हैं मैं आपसे युद्ध की आज्ञा लेने आया हूं पितामह। और पितामह ने बिना सोचे समझे एक शब्द कहा, सबसे पहले विजयी भवा, विजयी भवा। और सारे लोगों ने माना कि एक मनुष्य को अर्थ का या धन का दास नहीं होना चाहिए, अर्थ का या धन का दास नहीं होना चाहिए। सोचिए कितनी बड़ी बात है, अगर वो लोग गलत होते तो हम भी गलत होते। उन्होंने क्यों नहीं कहा कि धन के पीछे भागिए तो आप कामयाब हो जाइएगा, तो हमसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम कृष्ण की राह छोड़ करके दुर्योधन की राह पे चलकर नारायणी सेना मांग ले तो आपकी तरह सफल हो जाएंगे। आपकी इच्छा है, आप अवश्य जाइए, उस भीड़ का हिस्सा होइए। हाँ, हम भी कमाएंगे शौर्य, हम भी कमाएंगे यश, हम भी कमाएंगे वैभवता, ठीक है, एक सीमा लाएंगे, लेकिन उसके लिए किसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। वो आ गए, वो अब हमें हासिल हुई है, तो अब हम पंख खोलेंगे। अब हमें पंख खोलने ही तो है, और कुछ करने थोड़े, पंख ही तो खोलने हैं हमें, और वो खुलेगी पंख। श्री कृष्ण ने सबका सम्मान किया, हर एक के चरित्र का सम्मान किया। श्री कृष्ण ने कभी भी कर्ण को सूत पुत्र कर्ण ताने के रूप में नहीं मारे हैं, और ना ही गंगा पुत्र भीष्म का मजाक उड़ाया है, कभी भी नहीं, और ना ही दुर्योधन को महावीर कहने में संकोच किया है उन्होंने, लेकिन सबको दंड दिया है, सबको दंड दिया है। शांति की स्थापना संग्राम से ही संभव थी, तो संग्राम भी किया है उन्होंने, न हथियार उठाते हुए भी हथियार उठाया, युद्ध न करते हुए भी युद्ध किया। उनका वो श्लोक, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे, इसे कौन भुला सकता है। अर्थात परित्राणाय साधूनाम, ऐसे जो भी चरित्र है, जैसे भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, आचार्य द्रोण, या जो भी चरित्र है, सभी का उन्होंने सम्मान किया है, सभी का सम्मान किया। परित्राणाय साधूनाम, साधु पुरुषों का उन्होंने उद्धार किया, और विनाशाय च दुष्कृताम, और उनके द्वारा जो भी दुष्ट कार्य किए गए हैं उसका अंत भी किया है। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश भी किया है। धर्म संस्थापना, धर्म की स्थापना करने के लिए, फिर से स्थापना करने के लिए, और फिर से स्थापना करने के लिए, और फिर से स्थापना करने के लिए, वो हर युग में बार बार आते रहे, आते रहेंगे। तो इस चीज को आपको समझ नहीं होंगे। अब इसको देखिए, ये धर्म से कैसे भी मुख हो जाए, धर्म का मतलब है द बेस्ट वे टू लीव योर लाइफ। अब इससे कैसे भी मुख हो जाए, और एकदम धार्मिक पुस्तक है वो, द आर्ट ऑफ लिविंग का द ग्रेटेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड है श्रीमद् भगवद गीता, उसका कैसे त्याग कर दे। उन्होंने तो साफ तौर पे कहा है कि कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही मेरे ही प्राप्ति के मार्ग हैं, लेकिन इसमें श्रेष्ठ है कर्म योग, जो वन में जाकर के तपस्या किए और वहां जाकर के संसार से मोह त्यागे, वो तो कोई बहादुरी नहीं हुई। वो बहादुरी है ईश्वर की खोज की, बाहर में ईश्वर की खोज किए वो बहादुरी है, लेकिन अपने अंदर खोजना ये उससे बड़ी बहादुरी है उनके अनुसार। कर्म योग, घर में रहते हुए दाम्पत्य जीवन का सुख भोगते हुए
निष्कामिज होना, वैरागी होना, गृहस्थ में वैरागी होना, उससे बड़ा या भीषण दायित्व है जो वन में जाकर वैरागी है। याद रखिए कि गीता का जो सबसे अनमोल मोती है वो है अकर्मक होना, अकर्म, निष्काम या योग। तो अकर्मक होना जब सबसे अनमोल चीज है तो उसका त्याग कैसे करे? उससे तो इंसान जीते जी ईश्वर को अपने अंदर समाहित कर लेता है। एक अकर्मी ईश्वर को अपने अंदर समाहित कर लेता है, उसका त्याग कोई क्यों करे भला? और आप गीता को क्या चुनिए? गीता आपको चुनती है, गीता खुद ही माहौल बनाती है। एक बार हमसे किसी व्यक्ति ने कहा कि आपने इंग्लिश को ही क्यों चुना? तो हमने कहा हमने इंग्लिश को नहीं चुना, इंग्लिश ने हमें चुना है। ऐसी परिस्थितियां बना देती हैं लोगों ने, हालात और समय, भाग्य कि आपको उस रास्ते पे ना चाहते हुए भी चलने पड़ते हैं। आखिर आनंद कुमार जो है अशोकानंद कैसे बना? इसकी तो इच्छा नहीं थी, भविष्य तो ये देखे हुए नहीं था, लेकिन लोगों ने बना दिया। अब लोगों ने बना दिया कहे तो गलत है। आप इतना समझ लीजिए कि परिस्थितियां बना देती है, भाग्य कुछ अच्छा सोच करके रखा है। आप जो जितना नीचे गिरता है वो उतना ही ऊपर उठा हुआ होता है। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।